नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज बिहार और मैं हूं पप्पू कुमार। अभी मेरे साथ मनीष कश्यप जी के भाई करण कश्यप जी हैं यहां पे। इनसे आज बात होगा कि मनीष कश्यप अभी तक मतलब जेल में ही हैं, कब तक बाहर आने वाले हैं और अभी तक क्या क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी मतलब मनीष कश्यप बहुत ही दिन से मतलब जेल के अंदर है, अभी मतलब क्या चल रहा है? एनएस से बहुत ही जल्द हटा हुआ है, आगे अभी क्या होने वाला है? देखिए, एनएस से हट चुकी है, एक केस हमारा पेंडिंग है, उसको हम लोग ड्राफ्टिंग कर चुके हैं, हाईकोर्ट में डाल दिए हैं लोग। जब नंबर आती है तो वैसे ही मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है, बहुत सारे लोग इंतजार में लगे हुए हैं कि छठ में आएंगे, छठ भी बीत गया, निहान भी बीत गया, क्या लगता है कब तक मनीष कश्यप जो है बाहर आ सकते हैं? नहीं, ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है। एक केस हमारा 14 केस टोटल इस प्रकरण में थे, 13 केस में बेल हो चुकी है, एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक केस ये भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि हाँ आज जल्दी ही आएंगे। ये जो एक केस अभी बाकी है, ये केस कहाँ का है? ये बेतिया की पटना की केस है, जो फर्जी आदमी ने फर्जी तरीके से ट्वीट किया था, मनीष कश्यप नाम से ट्वीट कर किया था। पहले मनीष कश्यप का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया और फिर फर्जी तरीके से उसने ट्वीट किया और बिहार पुलिस ने हम लोग पे ही FIR कर दी, जिसमें ना हम लोग उस बंदे को जानते थे, ना हमारा टीम का था, ना उसका भी पहचान थी। और मनीष कश्यप नाम से ट्विटर आईडी बनाता है और फर्जी ट्वीट कर देता है, फिर उसके बाद बिहार पुलिस FIR कर देती है, उसका वही FIR पेंडिंग है। एनएसए जो लगा हुआ था, क्या सच में वो सही वीडियो सही बनाए थे, गलत बनाए थे? एनएसए आपको पता नहीं, खारिज हो गई है, खारिज मतलब एनएसए बहुत दिन के ऊपर लगा हुआ था, बहुत सारे लोग उनके मतलब कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ एनएसए लगा, तो एनएसए हटा, मतलब गलत कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगाया गया था एनएसए, तो एनएसए खारिज हुई है ना, तो खारिज कब होती है? जब गलत तरीके से कुछ भी लगा जाता है तो कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट है ना, जो भगवान का एक भगवान का मंदिर, वहां पे भी एक कोर्ट ही है, तो उस मंदिर में गए लोग, मंदिर में बताया गया कि हाँ जी इसने गलत तरीके से लगाया है, खारिज कर दिया गया, यानी गलत लगाया था, इल्जाम लगाया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब अफवाह उड़ा रहे थे कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया, कहीं ना कहीं बहुत ही गलत वीडियो वायरल कर रहे थे अपने TRP के लिए और व्यू के लिए और कमाने के लिए, उन लोगों को क्या कहिएगा? कौन सा वीडियो आप दिखाइए ना मुझे। ऐसे लोग लो बोल रहा था ना कि तमिलनाडु में वीडियो जाके मतलब यहीं से वीडियो बना दिए, बोला कि तमिलनाडु का है। कौन सा वीडियो तो आप मुझे बताइए तब तो, मतलब कौन सा वीडियो, मतलब वीडियो गलत नहीं था उनका, जैसे लोग आरोप लगा रहा था ना कि तमिलनाडु में गलत वीडियो बनाए थे। कौन सा वीडियो बनाए थे आप मुझे दिखाइए ना, कौन सा वीडियो, मतलब वही तो पूछ रहे हैं उन लोग क्या कहिएगा जो लोग इस तरह का मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोग तो वही पूछ रहा, कौन सा वीडियो गलत बताया बनाया था आप बताइए, दिखाइए तो, दिखाइएगा तब तो, दिखाइए, आज तक बिहार पुलिस दिखाई नहीं, आप भी नहीं दिखा पा रहे हो, सही बात, तो मुझे दिखाइए ना कौन सा वीडियो गलत मतलब बनाया गया था, कहीं ना कहीं गलत फंसाया गया था उनको। अब देखिए, एनएसए क्वैश हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो गलत फंसाया ही गया था। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं सही ही थे, लेकिन बहुत सारे लड़की, महिला, जेंट्स, बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के फैन हो गए, उनके ऊपर गाना कोई गाया, कोई शायरी बोला, कोई कुछ किया, बोला कि हम मनीष कश्यप के लिए जेल चले जाएंगे, लेकिन उनको बाहर निकाल दीजिए, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, लोगों का प्यार है और लोग अपना मानते हैं तभी तो इतना समर्थन करते हैं, बस यही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं लेकिन स्कूलों में लैपटॉप क्यों लगवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मनीष कश्यप सिर्फ पत्रकार नहीं है, वो एक आम नागरिक भी है बिहार का, जो खुद पढ़ाई बिहार से बाहर करता है, खुद जॉब बिहार से बाहर करता है, खुद स्वास्थ्य की सुविधा बिहार से बाहर लेता है, तो उसको पता है कि हाँ बिहार में क्या क्या कमियां हैं। तो एक नागरिक के तौर पे जो भी अपना डोनेट करता है, या अपने पैसे से हो चाहे किसी संसाधन से हो, तो एक बिहार नागरिक के तौर पे करता है, जो लोग शिक्षित हो, लोग जागरूक हो, ताकि सही और गलत में लोग परखे और बिहार में भी कुछ उन्नति हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं लैपटॉप लगवाते हैं या अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो नेता बनने की तैयारी में, इसीलिए क्या कहिएगा इसे? अब हर बात में कुछ लोग कौन है, मतलब 100 में 20% लोग होता है जो कि अच्छे काम को भी बुरा कहता है, उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं उन लोगों के लोग कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहूंगा, उनका भी भलाई हो, भगवान करे उनका भी भलाई हो। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि 100 में 20% जो लोग होता है बुराई सोचता है, अच्छा कामों को भी लेकर, उन लोगों की भलाई हो, बुराई किसी का भी ये लोग नहीं चाहते हैं, जो कि मनीष कश्यप थे वो भी अच्छा ही काम किसी को भी करने को सोचे थे, और उनके भाई हैं करण कश्यप भी अच्छा ही के लिए सोच रहे हैं। बाकी जाते जाते क्या कहिएगा, कब तक अनुमान लगाया जाएगा मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, एक अनुमान? अनुमान मैं तो कोर्ट नहीं हो, कोर्ट पे डिपेंड, अनुमान बोला जा रहा है, हो सकता है कि इसी मंथ बाद है।
खुशी की बात है कि मनीष कश्यप जो है सच तक न्यूज चलाते हैं, उनके भाई करण कश्यप है। बहुत ही खुशी हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि एक केस और बाकी रह गया है उनके ऊपर, और वो केस बहुत ही जल्द खत्म होगा और बहुत ही जल्द इसी महीना में जेल से मनीष कश्यप बाहर आएंगे। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार, और मेरे साथ एक मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप थे। अपना इन्होंने बात बताया कब तक मनीष कश्यप बाहर आएंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों को मालूम चले कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आते हैं, और बहुत ही खुशी होगी जब बाहर आएंगे।